आप बताओ 4 साल के बाद क्या कीजिएगा? कहा जा रहा है कि हम उन्हें कई सारी जगहों पर आरक्षण देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं, किस 15 लाख मिल गया क्या आपके खाते में? 2 करोड़ रोजगार मिल गया क्या? अगर तुम गैर भाजपाई हो तो तुम आतंकवादी हो, तुम रोजगार मांगोगे तो तुम आतंकवादी हो। दोनों मिलके तो बिहार को, देश को बर्बाद कर ही ना रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्टीज देख रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर। एक तरफ जहां पूरे देश में छात्रों का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है हम इसे वापस नहीं लेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमारे साथ है। परसों आपने कहा कि जो छात्रों का प्रदर्शन है वो जायज़ है। देखिए, जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का हर एक का अधिकार है, लेकिन नॉन वायलेंट होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और क्यों जायज़ है आप बताओ, 4 साल के बाद क्या कीजिएगा? आप पत्रकारिता करते हैं, अगर आपको बोला जाए तो आप 4 साल बाद क्या कीजिएगा? जो लोग, आप तो मान लीजिए पत्रकारिता में हैं, लेकिन जो दिन रात 4 सालों तक जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने मेडिकल क्लियर किया, जिन लोगों ने अपना फिजिकल क्लियर किया, जिनका केवल जॉइनिंग रह गया था, उनका क्या दोष था? और अब जो भी बहाली होगी वो 4 साल के लिए होगी, 4 साल बाद क्या करेंगे? यही तो सवाल है। केंद्र सरकार को कहा जा रहा है कि हम उन्हें कई सारी जगहों पर आरक्षण देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं, किस 15 लाख मिल गया क्या आपके खाते में? 2 करोड़ रोजगार मिल गया क्या? मतलब आपको बार बार उल्लू बनाया जाए और आप बनते रहे। बिहार में 19 लाख का वादा था, वो मिल गया क्या? तो इस तरह का काम केंद्र सरकार कर रही है जो कि किसी के हित में नहीं है। और ये सरकार आई है रोजगार देने या छीनने आई है, ये बताना चाहिए सरकार को। आपने राजभवन मार्च किया, नीतीश कुमार की पार्टी भी कह रही है कि पुनर्विचार होना चाहिए, वो भी कह रही है कि सहयोगी दलों का विचार नहीं लिया गया था साथ में। नहीं लिया गया तो इनको खुल के आके आना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए इस बात पर। तो नौजवानों के भविष्य का सवाल है। मतलब कोई दबाव में है क्या, ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं, JDU और BJP की सवाल का है, आप आए नौजवान पे आइए ना, बेरोजगारी पे आइए। दोनों मिलके तो बिहार को, देश को बर्बाद कर ही ना रहे, कर ही दिए हैं, कहाँ बचा है? तेजस्वी जी, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, शिवसेना के विधायक अलग हो रहे हैं, BJP भी देख ही रहे हैं किस स्वरूप में है, लगता है कि अब कुछ जो व्यवस्था है, कुछ जो प्रदेश है वो बदल रहे हैं? BJP चाहती है कि हाँ हर जगह अपना तंत्र मंत्र लगा करके चाहता है, जहाँ गैर भाजपा सरकार है उसको गिराओ, तोड़ो, मोड़ो, भाजपा का शासन होना चाहिए पूरे देश में, पूरा हम कब्जा लेंगे, और कहीं किसी और की सरकार है तो वहाँ जो है स्टेबल गवर्नमेंट को हम भंग कर देंगे। 17 में भी यही हुआ, शांति भंग कर हुआ ही ना, जाहिर सी बात हुई, क्यों नहीं हुआ भाई? बिहार की जनता ने तो नकार दिया था ना भाजपा को, तो सत्ता में क्यों बने? उनको स्वीकार करके विपक्ष में रहना चाहिए तो था। कहते हैं कि बिहार की लार्जेस्ट पार्टी हम हो चुके हैं, कैसे हुई है? आप लोग कैसे हो जाते हैं? चुनाव से पहले थे कि चुनाव के वक्त हुए या चुनाव के बाद हुए? अभी हाल फिलहाल में हुए, और कैसे हुए? अपने ही लोगों को खाके ना। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं? अब कुछ BJP के लोग कह रहे हैं कि वो जिहादी हैं, आतंकी हैं, आतंकवादी हैं। BJP के नेता कह रहे हैं वो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं। परिभाषा क्या होती है आतंकवादी की, जिहादी की परिभाषा क्या होती है? तुम भाजपाई लोगों को जो पढ़ाया जाता है परिभाषा, वो बताते हैं। अगर तुम गैर भाजपाई हो तो तुम आतंकवादी हो, तुम रोजगार मांगोगे तो तुम आतंकवादी हो, तुम अपना गरीबी मिटाने की बात करोगे, मुद्दे की बात करोगे तो तुम आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो, यही परिभाषा है उनके लिए, और क्या है? अंतिम सवाल, विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे? सत्र चल रहा है, उठा ही रहा, आज भी उठाई है। देखिए, तेजस्वी यादव हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा अपने क्षेत्र राघोपुर के लिए वो जा रहे हैं, और क्या कुछ उन्होंने कहा है विस्तार से, आपने सुना है अग्निपथ योजना का सवाल हो या फिर BJP का दबाव कैसे बढ़ता जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज पर, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।